सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, ऐश लव व्लॉग में। और आज की जो वीडियो रहेगी, आज व्लॉग नहीं कर रहे हम, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारे कैमरे के ऊपर, जो कि हमने परचेज किया था आज से तकरीबन 2020 में लिया था हमने। और अभी थोड़ा सा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, हमने थोड़ा दूसरा कैमरा लेने की सोचे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं उसको सेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो वो लिया था हमने 2020 में तकरीबन 43,000 का, निकॉन का है वो, D5300 है, निकॉन का D5300 है, जो कि 2020 में हमने परचेज किया था। तो अभी हम उसको सेल करना चाहते हैं। तो यदि कोई है, मेरा भाई कोई लेना चाहता है, अगर कोई बहन है या कोई भाई है, कोई भी अगर इसे लेना चाहता है, तो हम इसे बेच रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए और A1 कंडीशन है। अभी तक हमने भी बहुत ही कम यूज़ किया है, ये तो ऐश्वर्या ने भी, इसको तो आता नहीं आता यूज़ करने। हमने सिर्फ इसे पिक्चर के लिए रखा था, हमने थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, व्लॉगिंग के लिए। बट प्रॉब्लम ऐसी रही कि इससे हम व्लॉगिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हम फ़ोन से व्लॉगिंग करते रहे, क्योंकि ज़्यादातर हम कैमरा साथ में नहीं रखते थे, तो फ़ोन ही साथ रखते थे, तो फ़ोन से ही करते रहते थे व्लॉगिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कैमरा है और कैसी कंडीशन है। अगर किसी भाई ने देखना होगा या किसी ने लेना होगा तो वो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं ID अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारी इंस्टाग्राम ID का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप हमें DM करिए, जिसने लेना है वो मैसेज करिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे, उसको फोटोज़ भेज देंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, तो ये रहा हमारा निकॉन का D5300 और ये देखिए हमारा कैमरा, ये D5300। और ये रहा इसका, इसकी एक अच्छी बात थी कि ये व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो ऐसे हो जाती थी, ऊपर नीचे और ऐसे। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है तो आप ऐसे पकड़, ऐसे करके इसको देख सकते थे, अपना फेस इसमें देख सकते थे। तो ये रहा आपका कैमरा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी तक, ये देखिए। और ये रही इसकी डिस्प्ले, अभी तक बिल्कुल नया है, ये देख सकते हो आप। और इसके साथ आपको एक और, सॉरी लेंस तो मैंने दिखाया है नहीं, तो ये रहा इसका जो इसके साथ आता है लेंस, किट लेंस है ये। ये लेंस है 55-18-55, जो कि 18-55 mm है, ये देखिए। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फोकस नहीं कर रहा है ना आईफोन का, थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये मेरे फेस पे डिटेक्ट कर रहा है सीधा, तो मैं इसको कर रहा हूँ तो ये कर नहीं रहा है, जैसे ये देखिए। तो ये रहा निकॉन का D5300 लेंस, सॉरी D5300 कैमरा है, और लेंस है 18-55। अगर किसी ने भी लेना हो तो ये चेक कर सकते हैं आप, क्वालिटी इसकी अभी तक बिल्कुल नया है, ये देखिए। आप इसको ये मत देखना इसका दाग, इस पर मैंने ऊपर से लेंस कवर जो लगाया था ना वो लगाया है, और मैं आपको खोल के बता देता हूँ। और ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और ये देखिए बिल्कुल न्यू, और ये देखिए अभी इसको लगा देता हूँ मैं वापस। और इसके साथ में मिलेगा आपको एक और साथ में चार्जर, जो कि इसका अडोप्टर है, जो चार्जर होता है, इसमें बैटरी लगती है इसके साथ यहाँ पे, और यहाँ पे होती है नीचे वाली साइड इसकी बैटरी, ये रही इसकी बैटरी जो कि चार्ज होगी इस चार्जर के साथ कुछ इस तरह से। और ये देखिए ये चार्जर, और इसके साथ एक और स्ट्रिप वायर आएगी बैग की, ये देखिए। और ये रहा इसका किट बैग जो कि इसके साथ आता है, अभी ये भी नया ही है, बिल्कुल बहुत ही कम यूज़ किया है, मतलब हमने इतना यूज़ किया ही नहीं इसको, तो
अब इसकी थोड़ी हमें जरूरत भी नहीं है, हम थोड़ा दूसरा परचेज करने की सोच रहे हैं, सोनी की, सोनी का जो कैमरा होता है। तो अभी अगर जिस भी भाई ने ये कैमरा लेना होगा तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेक भी करना होगा तो चेक करने के लिए आप हमें बता सकते हैं, हम वहाँ पे आ जाएंगे। और अभी तो तकरीबन है नहीं, तकरीबन 2 से 3 महीने बाद हम घर पे आ जाएंगे, तो हम आपको दिखा देंगे। और जिसने भी चेक करना होगा, अभी बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया कैमरा। देखिए पूरा वर्किंग है, पूरा वर्किंग कंडीशन में। अगर किसी भाई को भी डाउट होगा तो भाई चेक कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल न्यू कंडीशन में कैमरा है। और डीएम करिए जिसने भी लेना है, और हम आपको पक्का रिप्लाई करेंगे इसको। अगर किसी को फोटोज़ वगैरह चाहिए तो हम आपको फोटोज़ भी भेजेंगे। और ये रहा निकॉन का D5300। तो अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर जिसको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से डीएम कर सकते हैं। तो गाइज अभी हो चुका है टाइम कुछ खाने का, बहुत ही भूख लग रही थी। तो अभी ऐश्वर्या ने बनाया है फ्राई राइस, और इसके साथ है सलाद। तो खा के देखते हैं कि कैसा बनाया हुआ है। गुड, अच्छा बना दिया शुक्रिया।